हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि जोगिंदर नगर का बिजली घर आज तक भी हिमाचल प्रदेश को ना मिलना एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब खुशी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री इस संबंध में भारत सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी रियासत से लीज का बहाना पंजाब सरकार बनाती रही है, लीज की अवधि अब समाप्त हो गई है, उनके साथ वो बहाना भी समाप्त हो चुका है। परंतु सच्चाई ये है कि 1966 के पंजाब पुनर्गठन कानून के बाद ही ये बिजली घर हिमाचल प्रदेश को मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं केंद्र की कांग्रेस सरकार से हिमाचल की पनबिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी का सिद्धांत मनवा पाया था। उन्होंने सीएम सुक्खू से आग्रह किया है कि वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री से मिले और हिमाचल के अधिकारियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलने वाली है। बाह्य वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत 6 प्रस्तावों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप जिला मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में बुधवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। इसमें तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में करीब 3 दशक बाद मई में मौसम का मिजाज बदला है। मई अंत में भी दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। शिमला में भी अभी तक लोगों के स्वेटर व जैकेट नहीं उतरे हैं। बुधवार सुबह कुल्लू में हल्की बारिश हुई, जबकि रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। लगातार जारी बारिश बर्फबारी से कृषि कार्य भी प्रभावित हुए हैं। किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर भी बुधवार सुबह हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा 5,500 करोड़ रुपए घटा दी है। पहले ये 4,500 करोड़ रुपए थी, वो अब 9,000 करोड़ रुपए रह चुकी है। कर्ज की सीमा घटाने को लेकर एक और सीएम ने इसे कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव बताया है, तो दूसरी ओर अविपक्षी दल भाजपा ने इसे कर्ज के बोझ में दब रहे प्रदेश के लिए जरूरी बताया है। भाजपा मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने बताया कि कांग्रेस पूर्व में बीजेपी सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने के आरोप लगाती रही है, लेकिन अब जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तो छोटे अंतराल में काफी लोन ले रही है। ओपीएस देने के लिए डीए की किस्त दे रही है, जबकि कोई नया रिसोर्स जनरेट नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जल्द ये लोन 1,00,000 करोड़ होने वाला है, फिर कांग्रेस कर्ज की बात छेड़ेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आत्मनिर्भरता के लिए काम करे, इसलिए कर्ज की सीमा को कम किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध पर 2 वर्ष की सेवाएं पूरे करने वाली 563 टीजीटी को नियमित कर दिया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों व मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राथमिकता पर किया जाए और इसकी संबंधित टीजीटी की सर्विस बुक में एंट्री सुनिश्चित की जाए। एनपीए बंद करने के विरोध में सोमवार से शुरू हुई 1.5 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की अवधि को हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति ने आधा करने का अब फैसला लिया है। ये निर्णय संघर्ष समिति के सदस्यों की मुख्यमंत्री के आह्वान पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ 30 मई की शाम को हुई वार्ता के बाद लिया गया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति की बुधवार सुबह एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से पेन डाउन हड़ताल की अवधि को आधा करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया है कि उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से 3 जून को की जाएगी। समिति आगामी रणनीति वार्ता के बाद बनाएगी। बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सक वर्ग की मांगों को रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों में तेजी लाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यालय हिमाचल में खोलने की वकालत की है। उन्होंने इस कार्यालय को उप कार्यालय तक सीमित ना करने की भी वकालत की है। उन्होंने इस संबंध में मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिमला में मंत्रालय का एक अलग और पूर्ण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लगभग 5 हेक्टेयर के कैंपस क्षेत्र के साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने जा रही है। हिमाचल में अब ढाबे व रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ढाबे, रेस्टोरेंट एवं अन्य दुकानें खोलने के लिए सरकार ने छूट प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जारी है, ऐसे में पर्यटकों को राहत देने और स्थानीय कारोबारियों को ज्यादा फायदा दिलवाने के लिए राज्य सरकार से ये व्यवस्था की है। इस बारे में श्रम विभाग की ओर से सभी जिलों के DC, SP, जिला लेबर ऑफिसर व लेबर इंस्पेक्टर को इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के टैक्सी व बस ऑपरेटरों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने राज्य सड़क प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क प्राधिकरण का गठन कर दिया है। ऐसे में बस व टैक्सी चालकों को नए परमिट जारी कर दिए जाएंगे। पिछले 6 महीने से STA व RTA का गठन नहीं हो पा रहा था, इसके कारण बस व टैक्सी ऑपरेटर्स को परमिट नहीं मिल पा रहे थे। राज्य सरकार ने राज्य सड़क प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क प्राधिकरण के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सड़क प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधान सचिव परिवहन विभाग को बनाया गया है, जबकि निदेशक परिवहन विभाग को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने सचिव राज्य सड़क प्राधिकरण को सदस्य सचिव नियुक्त किया है। कांगड़ा में 250 करोड़ के चिड़ियाघर से सटे NH को सुरंग के रास्ते ले जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वन विभाग इस प्रस्ताव को NHAI के सुपुर्द करेगा ताकि चिड़ियाघर पर NH का असर कम से कम हो। प्रधान मुख्य वन्य प्राणी राजीव कुमार ने कहा है कि प्रस्तावित स्थल को प्रभावित करने वाले भूभागों में भूमिगत रास्ते बनाने के लिए NHAI से आग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही चिड़ियाघर में 25% जानवर विदेशी प्रजाति के होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 250 करोड़ की लागत से कांगड़ा में बड़ा चिड़ियाघर बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इसके लिए वन विभाग ने 190 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया है।